अरोड़ा ईजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर्स की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं, रजिस्टर्स का कलर कोडिंग कैसे लिखते हैं, ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो हम शुरू करते हैं रजिस्टर्स से। रजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, यह मटेरियल की वह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करती है, यानी किसी मटेरियल के अंदर से जो करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उतना ही ज़्यादा होगा। यह R द्वारा प्रदर्शित की जाती है, कैपिटल R से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वह इसका सिंबल, ये सिंबल मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सिंबल है इसका, इसकी यूनिट ओम है, ओम में इसको मेजर करते हैं। इसकी बड़ी यूनिट्स किलोम के ओम का ये सिंबल बना रहा हूँ साथ ही, वह मेगा ओम, एम ओम। 1 किलो ओम इज इक्वल टू 1000 ओम और 1 मेगा ओम इज इक्वल टू 1000 किलो ओम या 10^6 ओम। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। रेजिस्टिविटी का मतलब है कि एक मीटर क्यूब का जो रेजिस्टेंस है वो उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो ये हम निकालते हैं R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला उससे ही कैलकुलेट करते हैं। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम के मटेरियल का रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी कहलाता है। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, ऐसा ही यूनिट्स के अंदर बात करें तो ओम मीटर होती है। कुछ मटेरियल्स अपने रेजिस्टेंस के द्वारा लाइट व हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब कुछ मटेरियल्स की ये प्रॉपर्टी होती है जब उसमें से करंट फ्लो करता है तो या तो लाइट जनरेट करते हैं या हीट अप होते हैं। ये अपनी अपनी एप्लीकेशन के अनुसार इनका यूटिलाइजेशन है, लेकिन ये वैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि इस टाइप के मटेरियल हैं जो हीट व लाइट प्रोड्यूस करने के काम में भी आते हैं। तो रो जो फार्मूला को मैं फिर लिख रहा हूँ, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ है मटेरियल की और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है और R रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस की बेसिक डेफिनेशन बताने वाला फार्मूला। अब रेजिस्टिव मटेरियल्स, पहला कार्बन, ये ग्रेफाइट कार्बन द्वारा बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल वगैरह में काम आती है। इसका 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 800 से 1300 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। ये इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। इसका रेजिस्टेंस अन्य मटेरियल्स जिनमें मिक्स कर चेंज किया जा सकता है। इसका रेजिस्टेंस हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर अपने रेजिस्टेंस इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो दूसरे मटेरियल्स मिक्स करके इसके रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये रेजिस्टिविटी इसकी 800 से 1300 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो ये रेजिस्टेंस बनाते टाइम कौन सा मटेरियल काम में लेना है उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टिविटी को देखते हुए ये उसको डिजाइन या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सेकंड है यूरेका, इसे कॉन्स्टेंटन कहते हैं। इसमें 60% कॉपर और ये उपधातु है और 40% निकल होता है, 60% कॉपर 40% निकल। इसकी 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी 48 मिली ओम सेंटीमीटर होती है। उसके कंपेयर में इसकी रेजिस्टिविटी उसकी माइक्रो थी और इसकी मिली में इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। टेम्परेचर कोफिशेंट, टेम्परेचर के अनुसार इसकी रेजिस्टेंस किस टाइप चेंज होती है, वो है 0.0002% प्लस या माइनस डिसाइड कर बताता है कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा। प्लस है तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और माइनस है रेजिस्टेंस घटेगा। मैग्नीन जो है ये 84% कॉपर और 12% मैग्नीज और 4% निकल को मिक्स करके बनाया, ये भी उपधातु है।
इसमें 84% कॉपर है, 12% मैगनीज है और 4% जो है इसमें निकल है। इसको मिलाकर के बनाते हैं इसको। इसकी 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी 42 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। तो ये जो है इसकी रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर कोफिशियंट है इसका 0.00015 पर डिग्री सेल्सियस, ये इसकी टेम्परेचर कोफिशियंट। उसके बाद है निक्रोम, 80% निकल और 20% क्रोमियम को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी हम ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, 61% निकल, 15% क्रोमियम और 24% आयरन, ये एक और कॉम्बिनेशन है। तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टिविटी 112 या 112 माइक्रो ओम सेंटीमीटर व टेम्परेचर कोफिशेंट 0.00017 होता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निम्न पर निर्भर, और रेजिस्टेंस किसके कंडक्टर का किस पर निर्भर करता है, वायर की लेंथ एल पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ए पर, मटेरियल की नेचर पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो पर और टेम्परेचर पर। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, किसी मटेरियल की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, यानी मोटा अगर तार होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, तार पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर पर डिपेंड करता है। रजिस्टर्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर, पहला है फिक्स रजिस्टर। फिक्स रजिस्टर में कौन कौन से टाइप के होते हैं, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, सेकंड है कार्बन फिल्म रजिस्टर और थर्ड है मेटल फिल्म रजिस्टर। ये तीन टाइप्स हैं फिक्स रजिस्टर के, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर और मेटल फिल्म रजिस्टर। सेकंड टाइप के हैं सेमी वेरिएबल रजिस्टर, थोड़ा बहुत अगर चेंज करना है तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा ना करना हो तो जो काम में रजिस्टर लेते हैं उनको बोलते हैं सेमी वेरिएबल रजिस्टर। और थर्ड है वेरिएबल रजिस्टर, ऐसे रजिस्टर जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है रजिस्टर को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, जैसे वॉल्यूम कंट्रोल्स पे काम में लेते हैं, तो ऐसे रजिस्टर्स को बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर्स। उसके बाद आते हैं कलर कोडिंग, कलर कोडिंग टॉलरेंस व रजिस्टेंस से संबंधित वेरियस पैरामीटर्स। कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कलर कोडिंग टॉलरेंस क्या होती है और रेजिस्टेंस इसके संबंधित जो है, कैसे हम ये कलर कोडिंग डिसाइड करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स को हम डिस्कस करेंगे। कलर कोड दो प्रकार का होता है, पहला तो है जॉइंट आर्मी नेवी JAN, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एसोसिएशन EIA। दोनों सेम है हालांकि, लेकिन EIA इम्प्रूव्ड है। उसके क्या रूल हैं ये देख लेते हैं। पहला कलर जिस तरफ से कलर्स रिंग पास पास हैं, अब पहला कलर किस तरह कौन सा लेंगे, जिस साइड में कलर्स पास पास आएंगे शुरू में तो ये इंडिकेशन मिल जाएगा, और लास्ट वाली रिंग का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसको हमें राइट साइड में रखना है, लास्ट पे रखना है, और जो जिस साइड में कलर रिंग्स हैं वो पास पास हैं उधर से हम स्टार्ट करेंगे, पहला रिंग उधर से लेंगे। पहला कलर कभी ब्लैक गोल्डन या सिल्वर नहीं हो सकता, पहला कलर कभी भी हम ब्लैक नहीं लेंगे, गोल्डन नहीं लेंगे और सिल्वर नहीं लेंगे। गोल्डन या सिल्वर दो या तीन कलर्स के बाद आता है, गोल्डन कलर हमेशा या तो दो कलर्स के बाद आएगा या तीन कलर्स के बाद में आएगा। किसी भी रजिस्टर पर मिनिमम कलर 3 व मैक्सिमम 6, जो हम ज़्यादातर कलर कोडिंग काम में ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 3 कलर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 कलर्स काम में लेते हैं। ये थोड़ा सा बताया गया है कि 4 कलर रजिस्टर किस टाइप का होगा। 4 कलर अगर रजिस्टर है, कोडिंग अगर 4 कलर में की हुई तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, सेकंड कलर जो है सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, थर्ड कलर रिंग भी मल्टीप्लायर होगी और फोर्थ जो कलर रिंग है वो होगी टॉलरेंस। और 5 कलर कोड अगर की बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपके जो है वो, और उसके बाद लास्ट वाला जो है टॉलरेंस, फोर्थ वाला जो है आपका जो है मल्टीप्लायर और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है डिजिट्स में काम आएंगे, 5 कलर रजिस्टर कोड की बात करें। और एक स्कीम होती है आपकी बॉडी डॉट एंड कलर कोड, इसमें क्या है कि रिंग नहीं बनी होती, अलग ढंग से कोडिंग है,
तो पहला कॉर्नर के अंदर जो टिप ए और दूसरा जो टिप बी और डॉट और बॉडी और रेडियल लीड ये दिखाइए। तो इसके अंदर कलर कोडिंग किस टाइप से होगी, फर्स्ट बॉडी का कलर और सेकंड आपका टिप बी देखेंगे, मल्टीप्लायर आपका डॉट रिप्रेजेंट करेगा और टिप ए आपका टॉलरेंस बताएगा। तो ये चार कलर इसमें काम में ले रहे हैं। तो पहला कलर कहाँ से बनाएंगे हम, बॉडी का जो कलर होगा तो फर्स्ट कलर गिना जाएगा, टिप बी पर जो कलर होगा वो आपका सेकंड गिना जाएगा, डॉट का जो कलर होगा वो आपका डिसाइड करेगा मल्टीप्लायर, और उसके बाद टिप ए का जो कलर होगा वो डिसाइड करेगा आपके, टिप ए का कलर डिसाइड करेगा आपके टॉलरेंस। तो ये बॉडी एंड कलर कोड किस टाइप से करते हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब हम कलर कोडिंग से रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ना सीखते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ना, फर्स्ट कलर सेकंड कलर फर्स्ट व सेकंड डिजिट शो करते हैं, पहला कलर और दूसरा कलर जो है उसका जो वैल्यू है वो फर्स्ट और सेकंड डिजिट शो करेंगे, थर्ड रिंग जो है मल्टीप्लायर शो करेगी और फोर्थ रिंग जो है वो टॉलरेंस शो करेगी। पांच कलर रजिस्टर में पहले तीन कलर डिजिट शो करेंगे, फोर्थ जो है आपका मल्टीप्लायर और पांचवा जो रिंग आपका टॉलरेंस शो करेगा। सिक्स कलर स्कीम के अंदर पहले तीन कलर जो डिजिट शो करेंगे, फोर्थ जो आपका मल्टीप्लायर होगा, फिफ्थ आपका टॉलरेंस होगा, सिक्स आपका कलर पावर, पावर शो करने के लिए छठा कलर कोड यूज किया जाएगा। अब हम एग्जांपल देते हैं कलर कोड्स के द्वारा लिखे हुए कलर्स की वैल्यू पढ़ना। मान लिया कलर है ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन और सिल्वर, तो ब्राउन के कॉरस्पॉन्डिंग एक, इनकी वैल्यू क्या होती है मैं अभी आपको बता दूँ कैसे याद रखनी है। ब्राउन की वन होती है, ब्लैक का जीरो, ब्राउन का फिर वन और सिल्वर को हम देते हैं टॉलरेंस के लिए। सिल्वर कलर अगर लगा हुआ है फोर्थ में तो उसका मतलब प्लस माइनस 10% टॉलरेंस। अब इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, फर्स्ट दोनों डिजिट तो हमने वन और जीरो वैसे लिख दिया, इनटू मल्टीप्लायर जो है वो ये ब्राउन में मतलब 10 लगाएंगे, 10 की पावर 1, और ये होगी 10 into 10 प्लस माइनस 10%, तो 100 ओम प्लस माइनस 10% वैल्यू होगी। तो कलर कोड कैसे याद रखना ये बता देता हूँ। बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बी फॉर ब्लैक, ब्लैक का मतलब 0, ये इनकी डिजिट वैल्यू है, बी फॉर ब्राउन 1, आर फॉर रेड 2, ओ फॉर ऑरेंज 3, वाई फॉर येलो 4, जी ग्रीन के लिए 5, बी ब्लू 6 या 6, वी वायलेट 7, 7, जी ग्रे 8, 8, डब्लू वाइट 9, 9। टॉलरेंस का है, यदि कोई कलर नहीं बनाओ, कोई कलर की रिंग नहीं हो तो प्लस माइनस 20% टॉलरेंस, गोल्ड अगर हो तो प्लस माइनस 5%, सिल्वर अगर है तो प्लस माइनस 10%, गोल्ड अगर सेकंड डिजिट के अंदर थर्ड में आता है मल्टीप्लायर के रूप में, अगर गोल्ड है तो गोल्ड को अगर मल्टीप्लायर की जगह पर लगाएंगे तो उसका मतलब 10 की पावर माइनस वैल्यू है, और सिल्वर को लगाएंगे तो 10 की पावर माइनस। गोल्ड और सिल्वर को अगर टॉलरेंस की जगह लगाते हैं तो उनकी टॉलरेंस वैल्यू दिखाता है, और गोल्ड और सिल्वर को अगर मल्टीप्लायर वाली पोजीशन पर लगाते हैं तो इसकी वैल्यू 10^-1 और 10^-2 रिस्पेक्टिवली होती है। अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं, फर्स्ट कलर आपका बॉडी और सेकेंड आपका टिप बी, थर्ड आपका मल्टीप्लायर डॉट और उसके बाद टॉलरेंस का टिप ए, ये मान लिया ग्रीन, ब्लू, येलो और गोल्ड है, तो 56 × 10^ येलो की वजह से 10^4 प्लस माइनस 5%, तो ये होगी डॉट वाले मेथड से कलर कोडिंग। उसके बाद एग्जांपल लेते हैं ब्राउन, ब्लैक, रेड, रेड, गोल्ड, तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5 रिंग है, 102 × 10^2 गोल्ड प्लस माइनस 5%, तो उसको हमने लिख दिया 10.2, एडजस्ट किया, रीअरेंज किया 10.2 किलो ओम प्लस माइनस 5%। उसके बाद है ब्राउन, रेड, सिल्वर, गोल्ड, 102 × 10^-2 प्लस माइनस 5%, 0.12 ओम प्लस माइनस 5%। उसके बाद रेड, रेड, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, 220 × 10^-1 प्लस माइनस 10%, यहाँ पे गोल्ड को मल्टीप्लायर की जगह काम में लिए, तो 22 ओम प्लस माइनस 10%। ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, गोल्ड, रेड,
वन टू थ्री इंटू 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5%, और रेड जो है वाटेज दिखा रहा है 2 वाट। इसमें 5 कलर रिंग आपने काम में ली है, पहले 3 रंग रिंग तो आपकी डिजिट वैल्यू दिखा रहे हैं, फोर्थ आपका मल्टीप्लायर है, और फिफ्थ आपका जो है टॉलरेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, छठा आपका जो है वाटेज, 6 कलर स्कीम है। उसके बाद आते हैं हम कलर, कई बार रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखते हैं 100E, 100E का मतलब 100 ओम। उसके बाद R44F, इसका मतलब 0.44 ओम, ये लिखने का मेथड है, इसको इस टाइप से लिखते हैं, प्लस माइनस 1%। 5K8, इसका मतलब है 5.8K ओम, प्लस माइनस 2%, ये वैल्यू लिखने का तरीका है। F इज इक्वल टू प्लस माइनस 1% होता है, Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2% होता है, Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 5% होता है, ये अलग ढंग से लिखने का ये भी मेथड यूज किया जाता है। K इज इक्वल टू प्लस माइनस 10% और M इज इक्वल टू प्लस माइनस 20%। 6M8M, 6.8 मेगा ओम, प्लस माइनस 20%, कोई रिंग नहीं है, या M है M इज इक्वल प्लस माइनस 20%। और 2KK, 2 किलो ओम, और K जो है आपका है प्लस माइनस 10%, 2 किलो ओम प्लस माइनस 10%। तो इस वीडियो में मैंने आपको रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस के अंदर कौन कौन से मटेरियल काम में लेते हैं, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की कलर कोडिंग जो है वो किस टाइप से हम शो करते हैं, एग्जांपल से समझाया मैंने आपको, और रेजिस्टेंस कौन कौन से टाइप्स हैं ये भी मैंने क्लियर किया, आपको बताने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें, इस चैनल को पहली बार देखने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में कोई अगर कमेंट क्वेरी या फीडबैक हो जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।